हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो पालक। मैंने इसे अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है। पालक पनीर बनाने के लिए हमें पालक को उबालना है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा ग्लास पानी और आधा चम्मच शक्कर। अब हम पालक को उबालने के लिए रख देते हैं। पालक को हमें बहुत नहीं उबालना है, बस हल्की सी नरम हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। पालक अब नरम हो गई है तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके पालक को गर्म पानी से निकाल लेते हैं। ज़्यादा देर गर्म पानी में रहने से पालक काली पड़ जाती है। पालक के पानी को हम फेंकेंगे नहीं, जब हमें सब्जी में पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने चार बड़े प्याज लिए हैं, इन्हें लंबा लंबा काट लिया है। जब मैं प्याज कट कर रही थी तभी मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाने पर ही हमें प्याज को बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो इन्हें हम निकाल देंगे। और अब मैंने लिए हैं चार बड़े टमाटर, जिन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर एक मिक्सर के पॉट में डाल देंगे और उसी में हम फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे। सभी मसालों को हमें एक साथ ही पीसना है, इसलिए मिक्सर का पॉट मैंने बढ़ा लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 15-20 कलियां लहसुन की, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 15-20 दाने मूंगफली के। अब हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। अगर पीसने में तकलीफ़ हो रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस सकते हैं। पेस्ट एकदम चिकना होना चाहिए। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट इसमें डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से भूनना है। अब जब तक पेस्ट भुनता है तब तक हम पालक की पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पालक भी अब अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो उसी पॉट में हम पालक को डालकर उसकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पालक को भी हमें चिकना ही पीसना है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। जब तक ये मसाला भुनता है तब तक हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर चेंज हो गया है और तेल भी ऊपर आने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक की पेस्ट। इस मसाले में पालक को डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पनीर, लेकिन मिक्सर के पॉट में जो थोड़ी सी पालक लगी हुई थी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। जो हमने पालक का उबाला हुआ बचाया था वो पानी डालकर उसका जो पेस्ट है वो भी निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े टुकड़ों में कैसे भी काट सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच फेंटी हुई क्रीम। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी यह पालक पनीर बनकर तैयार हो गई। मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।